तोरो काडी आणि देता तू चला काडी चल भाई पण डब्लू वो बंदा लायू तू नको मैं तो डब्लू तू समझ में ग्लास में वाटर ग्लास है क्या और नाइट मोड बंद करो पार्टी वालों ओ हाँ वाटर पार्ट ग्लास अभी ग्लास पड़ी हाँ हर बड़ी उजाला वजह से पड़ती इसको इतना सीखा वीडियो शूट कर वीडियो तो साउंड लेने की थी करा कुछ बुडू ना ना बुडू है क्या मतलब जाती है फोटो पाठवा दे मैं बलवंत मीना एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्नैक लवर वी के आपका स्वागत है दोस्तों। आज की कॉल हमारे पास सिरोही का जो PFA है वहाँ से आई हुई थी, जहाँ पर एनिमल का जो रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट वगैरह होता है वहाँ पर एक कॉमन कैट स्नैक उस शेल्टर के अंदर पहुँच गया था और जानवरों के काफ़ी करीब भी था, तो वहाँ के लोगों ने समझदारी दिखा तो उसके ऊपर कुछ रख दिया ताकि ये उधर से जा नहीं पाया। हम 10 से 15 मिनट तक वहाँ पर पहुँच गए, उसको हमने सेफली रेस्क्यू कर दिया। इस प्रकार के स्नैक अगर आपको दिखते हैं तो उसे छेड़छाड़ी में ना करें और कोशिश करें कि उसको अपनी जगह पर रोक कर रखें। आप सोचते हैं उसको ऐसे जाने दे या फिर जैसे कि उसको मारने से पाप लगेगा या उसको पकड़वाने से पाप लगेगा, इस प्रकार के थॉट्स आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये स्नैक एक मात्र ऐसा स्नैक है जो लोगों के पास रहना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे 12 बजे के बाद टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ये लोगों के नज़दीक पहुँचेगा और उनके बिस्तर में चढ़ने की पूरी कोशिश करेगा। ये अगर बिस्तर में चढ़ने पर कामयाब अगर हो गया तो जब भी आप नींद में इसके हाथ या पैर उसके ऊपर दबाव आएगा तब ये आपको बाइट कर जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत बाइट के बाद पता नहीं चल पाता कि इसके दांत बहुत छोटे होते हैं और सुबह 7 या 8 बजे तक जो इस व्यक्ति को बाइट करता है वो कोमा में चला जाता है। अगर इलाज लागू होता है तो ठीक है, वरना फिर डेथ हो सकती है। तो ऐसी गलती आप ना करें। आपके पास ऐसा स्नेक अगर आसपास दिखाई देता है तो प्लीज़ आप कॉल करें, विभाग को सूचित कर सकते हैं, हम रेस्क्यूर को बुला सकते हैं, तो आपकी जान बची जा सके और इसकी भी एक बचाई जा सके। चलो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू सो मच हमारे वीडियो में टाइम देने के लिए। जानकारी कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। Thank you.